हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लाजवाब, फर्स्ट क्लास. सो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फ्रेश टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट बजट. ये क्या है? गवर्नमेंट बजट. बजट ऑलरेडी ये वर्ड हमने कई बार ही पहले सुना भी होगा, इवन गवर्नमेंट बजट भी शुरू होगा सुना होगा. अब ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है, प्रिपेयर कैसे होता है, क्या इसका कंटेंट है, ठीक है, वो तमाम चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही अगर एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, तो जैसे हमने सुना कि बजट में घाटा हो गया, बजट में फायदा हो गया, उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसका उसको ठीक करने के लिए हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में. और साथ ही इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट जो बजट निकालती है, गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है अपने आने वाले समय के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टारगेट क्या है. तो दोस्तों, गवर्नमेंट बजट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करनी है. पहले जो आज हम शुरू करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन एंड कॉम्पोनेंट्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे. उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट कितने तरीके का होता है, कितने तरह का होता है, और इसमें मेन हम डेफिशिट बजट के बारे में चर्चा करेंगे कि डेफिशिट बजट क्या होता है, ठीक है, उसके अदर मतलब उसके पार्ट्स वगैरह क्या होते हैं. और फाइनली एंड में मैं आपको करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट. ऑल दो बुक्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट स्टार्टिंग में है, डेफिनेशन के साथ है, लेकिन मैं उसको बाद में कराऊंगा. मैं चाहता हूं कि पहले आप बजट के कंटेंट से थोड़ा फ्रैंक हो जाओ, बाकी चीजें जान लो, तब आपको गवर्नमेंट बजट सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट के बारे में जानकारी आसानी से समझ आएगी, ठीक है. सो बजट क्या होता है, उसके कॉम्पोनेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और क्यों एक कंट्री में बजट को पेश किया जाता है, बजट को बनाया जाता है, ये हमारा चर्चा का विषय होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो शुरुआत तो कहां से होगी, शुरुआत डेफिनेशन से होगी. सर भाई, डेफिनेशन को लिखने से पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. भाई अगर बजट की बात हम कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमने घर में भी सुना है कि भाई हमारा इतना बजट है, इतना हमें एक्सपेंडिचर करना है, इतना हमारा इनकम सोर्स है. तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लेरिफाई कर दूं, क्लियर कर दूं कि जो बजट है वो आने वाले समय का होता है, जो बजट है वो आने वाले समय का होता है. जो बीत चुका, उस पर हमें फायदा हुआ, उस पर हमारी सेविंग हुई, उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो हमने अकाउंटिंग के जरिए समझ लिया. लेकिन अगर मैं बजट की बात करूं, तो बजट होता है प्लानिंग, ठीक है, कि भाई आने वाले समय में, आने वाले समय में हमारी एक एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, हमारे हमें एस्टिमेटेड रिसीट पैसा कितना मिलने वाला है. और ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, तो भाई हमारी क्या कहते हैं खर्चा का क्या क्या होगा, खर्चा हम किस किस डिपार्टमेंट में करेंगे. तो जैसे घर में होता है, फैमिली में होता है कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर इनकम घर में अर्न करके लाते हैं, तो उसी के बिहाफ पे आने वाले खर्चे आपके डिजाइन कर जाते हैं, प्लान कर जाते हैं, भाई इतना फूड पर, इतना आपका क्लोथिंग पर, इतना एंटरटेनमेंट पर, अलग अलग. तो ये जो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग आपने करी है, जो तैयार करा है अपना हिसाब किताब, इसी को कहा जाता है क्या, बजट. इसी को क्या कहा जाता है, बजट. जब आप अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपनी रिसीट्स को प्लान करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आने वाले समय के लिए, उसे बजट कहा जाता है, उसे बजट कहा जाता है. अब मैंने बजट के साथ बस एक वर्ड जोड़ दिया, और वो क्या है, गवर्नमेंट. तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से आपने प्लानिंग करी अपने आने वाले एक पर्टिकुलर समय के लिए, वो एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, कि भाई इतनी इनकम होगी, इतने एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक उसी प्रकार जो गवर्नमेंट है वो भी प्लानिंग करती है, वो भी एस्टिमेट तैयार करती है कि आने वाले समय में, नॉर्मली जो एक साल का होता है, जो बजट हमारा एक साल के लिए पेश होता है, ठीक है, आने वाले एक साल के लिए हमें गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा रिसीव होगा, कहां कहां गवर्नमेंट को खर्च करना है, उसको इनकर्ड करना है, अगर कमी पड़ जाती है तो लोन कहां से लेना है, तो ये तमाम चीजें जो गवर्नमेंट तैयार करती है, ये स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट तैयार करती है, इसी को कहा जाता है गवर्नमेंट बजट. इसे क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट बजट. तो आइए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट रिलेटेड विद या विद शोज, आप डेफिनेशन अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, रिलेटेड विद गवर्नमेंट रिसीट्स. गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से आएगा,
कॉमा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कहां कहां पे करेगी, एंड डेट्स, अगर उधार लिया तो कहां से, डेट्स मतलब आपका उधार, गवर्नमेंट रिसीव, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेट्स फॉर अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि ये एक तो रिलेट करता है किसके साथ, गवर्नमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डेट्स के साथ, और मेन वर्ड जो आपको मालूम होना चाहिए वो है फिस्कल ईयर। हम फाइनेंशियल ईयर जो है वो यूज नहीं करेंगे वर्ड, हालांकि उसे भी यूज कर लोगे तो गलत नहीं होगा, पर बेटर वर्ड क्या है, फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर बेसिकली जिस ईयर के लिए बजट आता है ना उसी को कहा जाता है, तो स्पेसिफाई करने के लिए अच्छी बात है कि आप फिस्कल वर्ड का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली कंपनीज वगैरह के लिए होता है, वो अकाउंटिंग वगैरह जो कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम यूज करें फिस्कल ईयर। सो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, इज सिंपल सी बात है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक चिट्ठा है जो गवर्नमेंट तैयार करती है, हमने देखा भी है, जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हर साल बजट पेश करते हैं, उसे पढ़कर बोलते हैं कि आने वाले समय में ये प्लानिंग गवर्नमेंट की रहेगी एक्सपेंडिचर और रिसीट को लेकर। तो गवर्नमेंट की रिसीट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और उसके कुछ डेट्स रिकॉर्ड्स जो आने वाले संभावित समय के लिए हैं, जो कि नॉर्मली एक फिस्कल ईयर होता है, एक साल होता है, उसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, हमारे कंट्री का बजट हम जानते हैं आपका हर साल फरवरी में आ जाता है, फरवरी एंड में या बिगिनिंग में, डिपेंड करता है कि जो संसद की टाइमिंग है वो क्या है, और वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लागू हो जाता है, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लागू हो जाता है, फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल के लिए, फिर तो ये साइकिल चलती रहती है और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इसको पेश करते हैं। ओके, तो ये बेसिक सी एक डेफिनेशन और एक अंडरस्टैंडिंग के बजट होता गया है। अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट, बजट तैयार कैसे होता है। हमने बोल तो दिया कि गवर्नमेंट में रिसीप्ट, उसमें एक्सपेंडिचर और डेट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट बजट के वो जो कंपोनेंट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उनका कंसेप्ट क्या है, आइए जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट बजट दोस्तों, ये टेबल आप समझेंगे, इस टेबल के जरिए आपको चारों कंपोनेंट बड़े आसानी से तैयार समझ आ जाएंगे, और इस टेबल को तैयार करके हम पूरा जो चैप्टर है वही कवर करेंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट बजट दोस्तों दो पार्ट में क्लासिफाई है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी करा, एक तो है बजट रिसीट्स, भाई गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से मिलेगा, उनकी अर्निंग तो नहीं कह सकते, जो इनफ्लो है फंड्स का वो कहां कहां से होगा, बजट रिसीट्स, और दूसरी तरफ बजट एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ क्या है, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक तरफ पैसा आया, एक तरफ पैसा गया, आने वाले टाइम पैसा आएगा पैसा जाएगा। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसीट्स, याद रखिएगा वर्ड रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू वर्ड, और दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज कैपिटल रिसीट्स, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो बजट रिसीट दो पार्ट, एक रेवेन्यू एक कैपिटल, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट, सेम मैनर में बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट, यस एग्जैक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो बजट गवर्नमेंट बजट है उसको हम चार पार्ट में, उनके चार पार्ट में उसको क्लासिफाई करते हैं, चार कैटेगरी उसकी डिजाइन हो जाती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों, ये जो चारों कॉम्पोनेंट है, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट के और एक्सपेंडिचर के, ये दो चीजों पर डिसाइड होते हैं, लायबिलिटी और एसेट। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन जो भी करेंगे इन चारों की डेफिनेशन कैसे तैयार होगी, इनको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये दो चीजों पर बेस्ड होते हैं, एक लायबिलिटी और एक क्या है आपका एसेट।
अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो डेफिनेटली आपको लायबिलिटी और एसेट के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अगर आप आर्ट्स या फिर आप साइंस स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज से हैं तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। सिंपल सा मतलब, बस इतना समझिएगा, लायबिलिटी का मतलब है उधार। लायबिलिटी का मतलब क्या है? उधार, कि ये पैसा हमें चुकाना है, ठीक है। एसेट मतलब हमारी अपनी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी, इतना समझिएगा काफी है। लायबिलिटी उधार का पैसा है, ठीक है, लायबिलिटी है, चुकानी है। एसेट ही हमारी खुद की संपत्ति, ओके। अब इन सभी के बिहाफ पर, इन सभी के बिहाफ पर हम रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्टेट करेंगे, को समझाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स को इनके बिहाफ पर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, समझेंगे, जरा ध्यान समझेंगे। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं रिसीट्स वर्ड की, रेवेन्यू वर्ड को भी हटा दीजिए, मैं रिसीट्स वर्ड की बात कर रहा हूं। रिसीट, रिसीट का मतलब पैसे का आना, पैसे का आना। अब जब कोई पैसा हमारे पास आ रहा है, मैं इसकी दो कंक्लूजन निकाल सकता हूं, मैं इसकी दो कंक्लूजन निकाल सकता हूं। कौन सी? रिसीट्स, पैसा आया। आया मतलब हो सकता है कि ये पैसा मैंने किसी से उधार लिया हो, ठीक है, ये पैसा मैंने किसी से उधार लिया हो और आने वाले समय में मुझे इस पैसे को चुकाना पड़ेगा। अगर चुकाना पड़ेगा, उधार चुकाना पड़ेगा, तो उसका मतलब वो क्या है? लायबिलिटी। तो ये पैसा आया तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? क्रिएट हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। सर समझ नहीं आया, दोबारा से देखो। रिसीट, रिसीट का मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो इसकी एक कंक्लूजन ये निकल सकती है कि ये पैसा आपने आज उधार पर लिया है, ये पैसा आपने आज उधार पर लिया है और आने वाले टाइम में आपको ये चुकाना पड़ेगा, आने वाले टाइम में। तो अगर आप ये उधार ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। एक ये रीजन हो सकता है, या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है, रिसीट पैसा आया, आपके पास पैसा कब आया? जब आपने अपनी कोई एसेट या अपनी कोई संपत्ति बेच दी, तो इसका मतलब एसेट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। एसेट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, ठीक है। सिर्फ पहला पॉइंट समझ लो, बाकी सब आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है, ध्यान देना। दोबारा से बता रहा हूं, रिसीट मतलब आपके पास पैसा, मनी आया। इसके दो पहलू हो सकते हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि भाई ये पैसा उधार पे लिया जाएगा और उससे आने वाले समय में आपको वो चुकाना पड़ेगा, तो अगर ये पैसा लोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रिएट। या फिर और हो सकता है कि इसके लिए आपने अपनी कोई एसेट जो है वो बेची और तब जाकर ये पैसा आपको मिला। तो पैसा कब मिला? मनी कब मिला? जब एसेट क्या हो गई? आपकी रिड्यूस हो गई, एसेट आपकी रिड्यूस हो गई, ओके। तो रिसीट के पैसे के आने के दो पहलू हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं। एक के लायबिलिटी क्या हो? क्रिएट। या एसेट क्या हो? रिड्यूस, ठीक है, रिसीट के। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से ही कुछ ना हो, इन दोनों में से ही कुछ ना हो, ऐसे मनी को कहते हैं, ऐसे मनी को कहते हैं, ऐसे रिसीट को कहते हैं आपका रेवेन्यू रिसीट्स। सर मतलब ऐसे, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक, आपको मैं गवर्नमेंट का एग्जाम्पल अभी नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं आपकी रेगुलर लाइफ से, डेली लाइफ से जो एग्जाम्पल है मैं पहले वो दूंगा। जब हम अपना इंडिविजुअली हर टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं गवर्नमेंट के एग्जाम्पल आपको दूंगा। फिलहाल लाइक याद रखिए, आपको जो पॉकेट मनी मिलता है अपने लिए, अपने जेब खर्च के लिए जो मनी मिलता है, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए रेवेन्यू रिसीट्स है, फ्री फंड की इनकम एक तरह से। उसके बदले कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पॉकेट मनी आपको मिला। क्या ये पॉकेट मनी आपको, आप लिखते हो डायरी में इतना पैसा लिया और ये पापा को चुकाना पड़ेगा कुछ टाइम बाद? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं होता। तो लायबिलिटी आपके लिए क्रिएट नहीं हुई, लायबिलिटी आपके लिए क्रिएट नहीं हुई। साथ ही क्या उसके बदले आपको अपनी कोई एसेट चुकानी पड़ती है कि भाई पॉकेट मनी दी पापा ने मुझे तो मैंने अपनी वॉच दे दी, ठीक है, और मम्मी ने कुछ पैसा दिया तो मैंने अपनी बुक्स दे दी। ये तो खैर आप चाहोगे बुक्स दे दी, पर ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली। तो ना तो पैसा आपके पास आया, पैसा आपके पास आया, ना तो आपकी लायबिलिटी पर कोई असर पड़ा, ना ही आपकी एसेट पर कोई असर पड़ा। ऐसे मनी को कहा जाता है, ऐसी रिसीट को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटल रिसीट। अब आगे बढ़ते हैं, सेम चीज, रिसीट, रिसीट मतलब पैसे का आना, पैसे का आना मतलब
कि भाई हो सकता है इससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो, हमने उधार पे किसी से लिया और इसके बदले हमने अपनी कोई एसेट दे दी हो, या फिर ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे पैसे को कहा जाता है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पैसा हमारे पास आया, क्या हमने वो उधार पे लिया था? हाँ जी उधार पे लिया था, आने वाले समय में चुकाना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि हमें अपनी कोई एसेट देनी पड़े, तो हमारे एसेट क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा देता हूं भाई। मान लो आपके पास एक वॉच थी, आपने उस वॉच को अपने किसी फ्रेंड को या किसी को बेच दिया, आपके पास पैसा तो आ गया, रिसीट आ गई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी एसेट देनी पड़ गई, आपको अपनी एसेट देनी पड़ गई, वॉच आपके पास से चली गई, तो एसेट क्या हो गया? रिड्यूस, दैट इज कैपिटल रिसीट। या फिर आपने अपने किसी दोस्त से पैसा, दोस्त से किसी से भी व्हाटएवर पैसा लिया और आपने कहा बाद में चुका दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? आपने उस पर उधार पर पैसा लिया है, तो आपके लिए वो क्या है? वो आपके लिए लायबिलिटी है। सो ऑब्वियस है इस सिचुएशन में आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। क्लियर दोस्तों? तो ये रिसीट का हमने यहां पे डिस्कशन करी। अगर रिसीट का ना ही लायबिलिटी पर और ना ही एसेट पर कोई असर पड़े, ठीक है, दोनों पर, बोथ, याद रखिएगा यहां पर ये दोनों होने जरूरी है, ये दोनों केस होते हैं, ना लायबिलिटी ना एसेट, और यहां पर कोई एक, दोनों में से कोई, किसी भी रिसीट का लायबिलिटी पर भी असर पड़े और एसेट पर भी असर पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक ही केस होगा, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट रिड्यूस होगी, लेकिन कोई एक भी हो जाए, या तो लायबिलिटी पर असर पड़े या एसेट पर, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसीट्स। सो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, रेवेन्यू रिसीट भी और कैपिटल रिसीट भी। सिंपल सा फंडा इतना याद रखना है कि रेवेन्यू रिसीट का लायबिलिटी और एसेट पर असर नहीं पड़ा, और कैपिटल रिसीट का लायबिलिटी या एसेट पर असर पड़ेगा, पड़ता है। अब बात करते हैं खर्चों की, बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की, और याद रखिएगा मैंने आपको एग्जांपल अभी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिए हैं। जैसे पॉकेट मनी मैंने दिया, वो आपके रेगुलर लाइफ, आपने वॉच बेच दी, दोस्त से पैसा ले लिया उधार पे, आपके रेगुलर लाइफ, ताकि आपको मीनिंग थोड़ी क्लियर हो। गवर्नमेंट के एग्जांपल अभी हम इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नाउ वी स्टार्टिंग विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर खर्चा, क्यों करा आपने खर्चा? सर हमने ये खर्चा हमें इसलिए करना पड़ेगा, मतलब बजट है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा हमने पास्ट में उधार पर लिया था, ठीक है, हमें वो उधार चुकाना है, तो हमारी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? रिड्यूस। हमने खर्चा करा, क्यों? हमने उधार ले रखा था, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होनी चाहिए। या फिर हमने एक्सपेंडिचर, खर्चा करा ताकि हमारी एसेट कोई क्रिएट हो जाए, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, आप मान लो पैसा खर्च कर रहे हो मतलब कुछ खरीद रहे हो मतलब एसेट क्रिएट कर रहे हो, ओके, ठीक है, या फिर ये पैसा उधार पे लिया हुआ था, आज आप चुका रहे हो, तो लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, रिवर्स हो गए, ठीक है, दोनों के दोनों। इन दोनों में से कुछ नहीं होता, ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं आपका क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर हाँ, मतलब क्या हुआ कि आपने खर्चा करा, आपने एक्सपेंडिचर करा, ना तो आपके उधार कम हुए और ना ही आपकी एसेट क्रिएटिव, बस खर्चा हो गया और उसका कोई बेनिफिट एक तरह से आपको नहीं मिला। मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप मंदिर में डोनेशन देते हो, अगर आप किसी बैगर को कोई पर्टिकुलर अमाउंट देते हो, तो ऑब्वियसली उस बेनिफिट, उस एक्सपेंडिचर का आपको कोई रिटर्न लायबिलिटी एसेट में नहीं मिलता। ऐसे खर्चे को कहा जाता है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई जैसे जिस रिसीट का आपकी एसेट लायबिलिटी पर असर नहीं पड़ा वो रेवेन्यू रिसीट है, जिस खर्चे का लायबिलिटी रिसीट पर असर नहीं पड़ा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एंड द सेम थिंग यहां पर, ये दोनों होने आवश्यक हैं, बोथ, ना तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी और ना ही एसेट क्रिएट होगी, दोनों वर्ड आपके यहां पर साथ चलेंगे, गॉट इट। एंड फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो सेम रिवर्स हो जाएगा यहां पे, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। खर्चा करा, क्यों? हमारे सर से बोझ खत्म हुआ, लायबिलिटी रिड्यूस हुई, या फिर हमने कोई चीज खरीदी और हमने अपनी एसेट क्रिएट करी, तो इसमें वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिले, या तो लायबिलिटी रिड्यूस हो या एसेट क्रिएट हो, और याद रखिएगा
ऐसे खर्चे को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो कुछ भी, आपने फोन खरीदा, आपने कपड़े खरीदे, आपने अपने लिए शूज खरीदे, तो खर्चा कर रहे हो, लेकिन आपके पास क्या रह रहा है? आपके पास आपकी एसेट्स आ रही हैं, आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक उसी तरह आपने लोन लिया हुआ था, आपके सर पे बोझ है, आपके सर पे लायबिलिटी है, आपने उस लायबिलिटी को चुकाया, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। सो रेवेन्यू वर्ड जिसका रेवेन्यू सॉरी जिसका कैपिटल और एसेट दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता, उसे कहा जाता है आपका क्या? रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिस रिसीट का, जिस एक्सपेंडिचर का या तो लायबिलिटी पर या फिर आपका एसेट पर असर पड़े, उसे कहा जाता है आपका कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी समरी है कंपोनेंट्स ऑफ बजट की इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। ठीक है, इसी के बिहाफ पर वन बाय वन हम सारे के सारे आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, रेवेन्यू कैपिटल। ठीक है, इन डिटेल जो थोड़ा कंटेंट ज्यादा है मैं आपको बता दूं, वो रेवेन्यू रिसीट का है। वो किसका? रेवेन्यू रिसीट का है। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करें। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं और इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आपका टॉपिक, यस, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, वन बाय वन हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो आइए सबसे पहले जो डेफिनेशन है रेवेन्यू रिसीट्स की वो लिख लेते हैं। जो आपने टेबल अभी बनाई उसी के बिहाफ पर लिखेंगे भाई, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट liability, which neither create liability nor reduce, asset for the government, ठीक है, याद रखिएगा गवर्नमेंट वर्ड मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि हम गवर्नमेंट बजट के बिहाफ पे डेफिनेशन लिखेंगे। तो वो रिसीट्स गवर्नमेंट की जो ना ही असर डाल रही है लायबिलिटी पर और ना ही असर डाल रही है आपका एसेट्स पर, तो ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना एसेट आपकी रिड्यूस हो रही है, उसे हम बोलेंगे आपका रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, और याद रखिएगा मैंने यहां पर दो चीजें लिखी हैं। एक तो है क्रिएट लायबिलिटी और दूसरा है रिड्यूस एसेट। याद रखिएगा बोथ, ये दोनों केस होंगे, दोनों में से कोई एक नहीं होगा। ठीक है, कोई एक नहीं होगा। अब जैसे रेवेन्यू रिसीट खुद एक कंपोनेंट है, ठीक उसी प्रकार रेवेन्यू रिसीट के भी अपने बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, कंपोनेंट हैं। तो दोस्तों रेवेन्यू रिसीट्स आरआर को बजट में फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक है टैक्स रिसीट्स या टैक्स रेवेन्यू रिसीट भी कह सकते हैं, टैक्स रिसीट, टैक्स रेवेन्यू रिसीट एक ही बात, और दूसरा है नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें अभी लिखाऊंगा हालांकि, लेकिन समझा देता हूं टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या मतलब है। जो गवर्नमेंट के टैक्स लॉज हैं, गवर्नमेंट ने अपने आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका क्या कहते हैं जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स के बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। तो टैक्स के सोर्स के थ्रू गवर्नमेंट को जो भी कुछ रिसीव होता है उसे टैक्स रिसीट कहा जाता है ऑब्वियसली, और जो टैक्स के अलावा रिसीव होगा उसे नॉन टैक्स रिसीट कहा जाता है। हाँ जी, तो ये एक चीज हमें यहां पर क्लियर हो गई है दोस्तों कि रेवेन्यू रिसीट का एक जो मेजर एग्जाम्पल होता है, वो होता है टैक्स। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट को जब टैक्स मिलता है तो उस टैक्स के बदले, वो टैक्स गवर्नमेंट को आने वाले समय में चुकाना नहीं है और ना ही उसके बदले कोई चीज क्रिएट करनी है। सर ऐसा कैसे? गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करती है तो हमारे लिए फिर सड़कें, आपके लिए फ्लाईओवर, डैम्स वगैरह बनवाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान दो, मान लीजिए मैंने
टैक्स दिया गवर्नमेंट को 10,000 रुपए का, ठीक है, और आपने मान लो गवर्नमेंट को टैक्स दिया 1,000 रुपए का, गवर्नमेंट के पास टोटल 11,000 रुपए टैक्स पहुंच गया। अब उस 11,000 रुपए से गवर्नमेंट ने सड़क बनाई, ठीक है, उस सड़क में से जो 10,000 वाला हिस्सा है उस पर मैं चलूंगा और 1,000 वाले हिस्से पर आप चलोगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। जो गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव हुआ है, मान लीजिए गवर्नमेंट को मैंने 10,000 रुपए का टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट बेनिफिट फिर मुझे नहीं देगी कि जी हाँ आप हैं, आपने 10,000 रुपए का टैक्स दिया था, हम आपको बेनिफिट देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया, दैट्स इट। उस पर्टिकुलर टैक्स को देने के बदले गवर्नमेंट मुझे कुछ प्रोवाइड करेगी, ऐसा नहीं होता। तो सड़क जो बनी है वो सड़क टैक्स की रिसीट के बदले बनी है, टैक्स पे करने के बदले नहीं बनी है। सड़क कॉमन एक्सपेंडिचर हुआ, उसका यूज जो है जो पूरा भारत है, पूरा हिंदुस्तान है, वो करेगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो टैक्स है गवर्नमेंट की वो रेवेन्यू रिसीट्स है। ये टैक्स जो रिसीव हुई है, रिसीव हुआ गवर्नमेंट को, ये टैक्स फ्यूचर में ना तो गवर्नमेंट को चुकाना है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, और ना ही इसके बदले कुछ एसेट देनी है। वो गवर्नमेंट का फंड क्रिएट हो गया, अब गवर्नमेंट उस फंड का इस्तेमाल कैसे करे अपने अकॉर्डिंगली, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। क्लियर? सो यहां पर टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट, मेन एग्जांपल में से मैंने बता दिया आपको, रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल टैक्स होता है। फर्दर टैक्स रिसीट्स के दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है पर जो, ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके जो एग्जांपल है वो मैं अभी लिख ही देता हूं। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सॉरी, जो डायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, ये होता क्या भी चर्चा करेंगे जब इस पर आएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जीएसटी, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट, गवर्नमेंट को टैक्स सोर्स के अलावा और क्या क्या रिसीव होता है, बहुत एग्जांपल है दोस्तों इसके, इसमें फीस, इसमें लाइसेंस एंड परमिट, इसमें फाइन एंड पेनल्टीज, एस्चीट भी एक चीज होती है, क्या डिस्कस करेंगे, इसके अलावा इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस एटसेट्रा, ये सब नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट होते हैं। सो दोस्तों, रेवेन्यू रिसीट्स को हमने, डेफिनेशन हमारी हो गई, रेवेन्यू रिसीट्स को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स लॉस के हिसाब से जो रिसीव होगा वो टैक्स रिसीट है, उसके अलावा नॉन टैक्स रिसीट है। टैक्स रिसीट फर्दर एक दो पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उनके एग्जाम्पल हमने लिखे इन डिटेल। आइए इनकी चर्चा शुरू करते हैं, इसको मिटा देता हूं, होप आपने नोट कर लिया होगा। ओके, सो पहली हेडिंग जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज यस टैक्स रिसीट्स। तो आइए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वही उसकी डेफिनेशन है। टैक्स रिसीट, लिखिए, टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन टैक्स सोर्स बेसिस, टैक्स सोर्स बेसिस, ठीक है, टैक्स के आधार पर जो भी, टैक्स लॉस के आधार पर जो भी गवर्नमेंट को रिसीव होगा, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट को रिसीव होने की हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं, उसे टैक्स रिसीट्स कहा जाएगा, ठीक है। इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो पहला नंबर आता है किसका, डायरेक्ट टैक्स का। क्या आपने इनके बारे में पहले सुना है? आइए हम इस तरीके से लिख लेंगे, डिफरेंस भी तैयार हो जाएगा और क्या नाम है, हमारा कंटेंट भी पूरा हो जाएगा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, क्या आपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में सुना है? हाँ जी सर, तो पता ही चल रहा है सर, डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो हमने डायरेक्टली पे करा है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो हमने इनडायरेक्टली पे करा है। अरे वाह, आपने तो इसको बहुत आसान बना दिया। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं। पहले मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर लेता हूं। डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स विच आर रिसीव्ड, डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स विच आर रिसीव्ड
नहीं सॉरी रुको एक सेकंड, डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स विच आर पेड, विच आर पेड बाय दोज ऑन विच इट इज इम्पोज्ड, ऑन विच इट इज इम्पोज्ड, ठीक है ओके. और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन, इनडायरेक्ट टैक्स IDT, ठीक है शॉर्ट में लिख देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन बट पार्टली, बट पार्टली और होली, नॉर्मली होली ही होता है, पार्टली और होली पेड बाय अदर, पार्टली और होली पेड बाय अदर, ठीक है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ओके. आइए अब इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर पेड बाय दोज ऑन विच इट इज इम्पोज्ड, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन पार्टली और होली पेड बाय अदर. ओके सो लेट्स डिस्कस विद द इनडायरेक्ट टैक्स. इसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे. डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर पेड बाय दोज ऑन विच इट इज इम्पोज्ड, जिसके ऊपर जिसकी इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स लिवाइड हुआ है, लगा है, उसी को पे करना है. सीधी सी बात है, सीधी सी बात है. मेरी इनकम मेरा इनकम टैक्स क्या आप पे कर देंगे बताइए? ऑब्वियसली नहीं करेंगे सर, हम आपकी इनकम आप पे करोगे, ठीक है. तो जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो उस टैक्स को पे करता है, उस टैक्स को सिंपली हम कहते हैं आपका डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली उसी ने पे कर दिया जिस पर वो बनता है. अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन बट पार्टली और होली पेड बाय अदर, पेड बाय अदर, ये क्या है? ओके मैं सिंपल सिनेरियो के हिसाब से इसको शुरू करता हूं. भाई आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया 1000 रुपए का, ठीक है 1000 रुपए पर, उसके बाद वो बिल लेकर आया और उसने उस पर मान लीजिए मैं 10% एज्यूम कर रहा हूँ, 10% जो GST के हैं वो उसने चार्ज करे और आपसे 1100 रुपए क्या कहते हैं जो आपका बिल है वो चार्ज करा, ठीक है. अब यहाँ पर आपसे मैं पूछूंगा यार आपने खाया 1000 रुपए का, ठीक है, और आप उसको 1100 रुपए क्यों पे कर रहे हो? तो आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आएंगी कि सर उसने वहाँ बैठकर खाना दी गया है, फैसिलिटी दी है, अच्छी एयर कंडीशन वाला उसका आपका रेस्टोरेंट था तो वो 1000 रुपए लेगा. नहीं दोस्तों, उस एयर कंडीशनर के, उसके आपके क्या कहते हैं आपका सर्विसेज के, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी के, उसने आपसे 1000 रुपए ले लिए. भाई 1000 रुपए का जो नॉर्मल सा खाना आपने खाया वो आप बाहर से अगर कहीं और ढाबे वाबे से खाते 200 रुपए का मिल जाता, लेकिन उसने आपके 1000 रुपए लिए. क्यों? उसने अपनी हॉस्पिटैलिटी के अपने लीवरेजेस के चार्जेस उसमें ऐड करे तभी वो 1000 रुपए का है. उसके बाद आपने 1100 रुपए, उसके बाद आपने 1100 रुपए का क्या कहते हैं बिल पे करा. अब ध्यान दीजिए, वो जो 1100 रुपए मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा जो GST है, वो GST गवर्नमेंट ने उस रेस्टोरेंट वाले के ऊपर इम्पोज्ड करा था, उसके ऊपर लगाया था. उसने बोला हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है उस रेस्टोरेंट वाले को कि अगर कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं मतलब रेस्टोरेंट में आप खाना खाने आएगा तो आप उसके ऊपर 10% का टैक्स लगाएंगे और हमें ऑब्वियस ही बात है वो पे करेंगे, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर वो चार्ज लगाया हुआ है और आपसे वो बिल ले लेता है 1100 रुपए का. अब आपके मन में अजीब अजीब सवाल आएंगे. आप कहोगे सर हमने खाना खाया, हमने वहां फैसिलिटी ली 1000 रुपए की, ठीक है, और हमने 1000 रुपए देने को हम तैयार हैं. वो टैक्स गवर्नमेंट ने उस रेस्टोरेंट वाले के ऊपर लगाया तो भाई सीधी सी बात है ना, उस रेस्टोरेंट वाले को पे करना चाहिए, वो हमसे क्यों ले रहा है? बात आपकी भी सही है. अब आप जाके लड़ाई कर शुरू कर दोगे कि भाई आपका टैक्स है आप पे करोगे, हम क्यों पे करें? वो कहेगा ठीक है जी मैं पे कर दूंगा. एग्जैक्टली ऐसा ही कहेगा. लेकिन अगली बार जब आप जाओगे ना, वो
यही बोलेगा आपको, वो यही बोलेगा आपको क्या कि ऐसा है कि जो आपका खाना है उसका प्राइस 1100 रुपए है। फिर वो क्या करेगा, उस प्राइस में ही वो 100 रुपए ऐड करके आपको चार्जेस बताएगा। इसलिए मेनली मैं रेस्टोरेंट के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसलिए हर जगह जब प्राइस लिखा होता है तो उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, कि भाई कहीं पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्रिएट ना हो कि भाई टैक्स आपका ये है वो है ब्ला 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 एंड ब्ला। सो ओके, ये कंसेप्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इम्पोज वो किस पर हुआ, विच इज इम्पोज ऑन अ पर्सन, पर्सन ये वाला कौन, पर्सन कौन है आपका, रेस्टोरेंट वाला है, बट पार्टली और होली पेड बाय अदर, लेकिन वो पे करा आपने। अब आप कहेंगे सर देखो आपकी बात ठीक है, उसने हमसे हमारे ऊपर चार्ज कर लिया, हमें पे करना पड़ेगा, अगर हम मना करेंगे तो वो बिल हमारे में ऐड कर देगा, मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस वाला हिसाब किताब निकाल देगा, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये गलत नहीं है। लेकिन क्या ये गलत नहीं है, क्या गलती है इसमें, सर रेस्टोरेंट वाले के ऊपर लगाया था, ले वो हमसे रहा है, तो गलती है ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, उस रेस्टोरेंट वाले ने इन्वेस्टमेंट करी, सारा खर्चा करा, वहां पे उसने अपने जो स्पेशल बढ़िया बढ़िया क्यूजींस हैं वो तैयार करे, ठीक है, आप लोगों को बढ़िया खाना खिलाने के लिए सर्विसेज भी दी, ठीक है, सारे काम वो कर रहा है, सारे इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, सारे रिस्क वो ले रहा है, उसके बाद जो सर्विसेज का बेनिफिट है वो कौन ले रहा है, आप ले रहे हो, ठीक है, सर्विसेज का बेनिफिट कौन ले रहा है, आप ले रहे हो, सर्विसेज का बेनिफिट आप लो, सर्विसेज का बेनिफिट आप लो, टैक्स वो पे करे, क्या आपको ये गलत नहीं लग रहा, वो इंडिविजुअल रेस्टोरेंट वाला जो है वो सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सारे रिस्क ले रहा है, ठीक है, और आपको सर्विस दे रहा है, फैसिलिटी ले रहे हो आप, और टैक्स वो पे करे, वो गलत बात नहीं है। लेकिन सर डेफिनेशन तो यही है ना कि इन आईडीटी आर दोस विच आर इम्पोज ऑन अ पर्सन, मतलब रेस्टोरेंट वाला, तो यार तू पे करना, ठीक है, बट पार्टली और होली, नॉर्मली होली पेड बाय अदर, हमसे क्यों ले रहा है, ध्यान दो इसका मतलब बता देता हूं आपको, कायदे से ये डेफिनेशन जो है ना ये गलत है, जो डेफिनेशन लिखी गई है ना ये कंसेप्ट के हिसाब से गलत है, लेकिन ये आपको माननी पड़ेगी क्योंकि लॉ में भी यही है। क्योंकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स की हकीकत में, इनडायरेक्ट टैक्स की हकीकत में जो डेफिनेशन है अगर वो लिख दी जाए और उसको माना कि भाई ये फॉलो होगी तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कैसे भाई, आपने फैसिलिटी ली, आप इनकम टैक्स पे कर, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी पे करोगे, आपको पे करना, रेस्टोरेंट वाले को पे नहीं करना, तो आप क्या करोगे, आप रेस्टोरेंट पे गए, आपने खाना खाया, उसने 1100 रुपए की पर्ची आपको पकड़ाई, आप कहोगे कि भैया ये ले हजार रुपए, ठीक है, अपने 100 रुपए की पर्ची मुझे दे दे, ठीक है, बना के बिल मैं पे कर दूंगा गवर्नमेंट को। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा होने लग जाए तो क्या आप पे करेंगे, अगर आप करेंगे तो आपके जैसे 10 दोस्त 100 दोस्त और हैं, क्या वो सभी पे करेंगे, ऑब्वियसली नहीं। यहां पर जो सीधी सी बात है, टैक्स की चोरी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट किसकी गर्दन आसानी से पकड़ सकती है, रेस्टोरेंट वाले की, या हजार लोग जो वहां खाना खाने आ रहे हैं, obviously उस रेस्टोरेंट वाले को पकड़ना आसान है, तो गवर्नमेंट ने उस रेस्टोरेंट वाले को ही पकड़ा कि भाई ऐसा है, तेरी जिम्मेदारी है, जो भी सर्विस लेने आएगा, जो भी खाना खाने आएगा, उनसे टैक्स कलेक्ट करके तू हमें देगा। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या, आपका टैक्स आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स, आपका टैक्स सीधा गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, गवर्नमेंट को नहीं गया, वो रेस्टोरेंट वाले के थ्रू गया, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर गवर्नमेंट ये डेफिनेशन लॉ में लिख दी जाए कि भाई जो फैसिलिटी लेगा, जो फैसिलिटी ले रहा है वही पे करेगा, तो मैंने इसका एग्जांपल बताया, फिर सारे लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे और गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट मतलब नहीं कह सकते बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, पर हाँ डेफिनेटली कम जरूर हो जाएंगी, क्योंकि सारे लोग अपना टैक्स फिर जमा नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये कंटेंट हमने यहां पर देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी बेटर है, जिस पर इंपोज्ड हुआ उसी ने पे करा, जिस पर इंपोज्ड हुआ तो उसके दूसरे किसी बंदे ने पे करा। इसका एग्जांपल जो है दैट इज यस एग्जैक्टली आपका जीएसटी। इसके अलावा तो एक कंक्लूजन हमने क्या निकाली डायरेक्ट टैक्स की, इट इज ट्रांसफरेबल नहीं है, और उसके बाद इट इज ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल है, इसका जो बर्डन है ट्रांसफर हो जाता है। हम ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, बर्डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है,
जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इन नेचर। चलो पूरा लिख देते हैं इसको, डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव टैक्स इन नेचर, और अगर मैं यहां पर बात करूं इट इज रेग्रेसिव टैक्स इन नेचर, ठीक है। तो सर ये वर्ड क्या आ गए नए नए, प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव, मतलब समझाता हूं। इसके अलावा होप और कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्स जिस पर इंपोज हुआ उसी ने पे करा, बर्डन ऑफ टैक्स ट्रांसफरेबल नहीं होता, इनकम टैक्स का एग्जाम्पल। इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर इंपोज होता है उसके अलावा कोई और उसको पे करता है, पार्टली या होली, नॉर्मली होली ही होता है, और इसमें बर्डन ऑफ टैक्स ट्रांसफरेबल है, एक बंदे से दूसरे बंदे पर ट्रांसफर हो गया। और इसमें एग्जाम्पल हमने जीएसटी देखा, जो मेन वर्ड इसमें यहां पर आए कि सर ये प्रोग्रेसिव टैक्स इन नेचर और दूसरा क्या रेग्रेसिव टैक्स इन नेचर, ये क्या होता है। देखो मैं इसका मतलब आपको बता देता हूं, मैंने यहां पर दो चीज बताई आपको, एक तो प्रोग्रेसिव नेचर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, और एक तरफ रेग्रेसिव टैक्स। ओके, प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव, यस, दो चीजें यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इनकम की और बर्डन ऑफ टैक्स की। ओके, दैट इज इनकम, ये क्या बन गया, दैट इज इनकम और दैट इज बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, बिल्कुल इजी, अगर इनकम बढ़ती है तो बर्डन ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा, अगर इनकम कम होती है तो बर्डन ऑफ टैक्स भी कम होगा। एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है इनकम टैक्स, और दोस्तों बिल्कुल सीधी सीधी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम। तो सर ये तो समझ में आ गया प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है भाई, इनकम ज्यादा है टैक्स भी का बर्डन भी ज्यादा होगा, इनकम कम है टैक्स का बर्डन भी कम होगा, बिल्कुल दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। रेग्रेसिव का मतलब इनकम ज्यादा तो बर्डन ऑफ टैक्स कम, हुई ये कैसे, और इनकम अगर कम तो बर्डन ऑफ टैक्स ज्यादा, एग्जाम्पल जीएसटी। सर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसकी इनकम कम उस पर टैक्स ज्यादा, जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स कम, ठीक है, ये वाला केस, इनकम ज्यादा टैक्स कम, इनकम कम टैक्स ज्यादा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये मैं टैक्स नहीं लिखा है, ये मैंने बर्डन ऑफ टैक्स लिखा है। बर्डन ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि जब मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, मतलब सॉरी नॉट इनकम टैक्स, जब मैं टैक्स पे करूंगा तो मेरी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, मेरी जेब पर कितना दबाव पड़ेगा, उस चीज को कहा जाता है क्या, बर्डन ऑफ टैक्स, उस चीज को हम बर्डन ऑफ टैक्स कहते हैं। मतलब ध्यान, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो भाई मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपए महीना, ठीक है, और आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना, ठीक है, मेरी इनकम 10, आपकी इनकम 50, हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, अलग अलग, एक साथ नहीं, ऑब्वियसली आप अलग जा रहे हैं मैं अलग जा रहे हैं। अब हम रेस्टोरेंट में बैठे, हमने खाना ऑर्डर करा, आपने भी जो ऑर्डर करा मैंने भी आपका कोइंसिडेंटली वही सेम ऑर्डर करा, हम दोनों के फूड का जो बिल था, मान लीजिए होटल अच्छा खासा, और हम 2,000 रुपए का मान लीजिए आपका बिल आ गया, ठीक है, हमने चाय पी, सैंडविच खाया, व्हाटएवर, 2,000 रुपए का बिल आ गया, ठीक है, और उस 2,000 रुपए पर जो टैक्सेस वगैरह लग के 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं टैक्स के, ओके, तो 2,000 का बिल, 2,000 तो पे करने ही पड़ने हैं, वो तो हमारे सर्विसेज, मतलब जो सर्विस का हमने फायदा उठाया, और 500 रुपए टैक्स के देने हैं, ओके, उस 500 रुपए एक्स्ट्रा जो पे करना है उसको पे करने में किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस है, आपकी इनकम 50,000 रुपए है, आपकी इनकम ज्यादा है, आपको उस 500 रुपए पे करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मतलब आपकी इनकम ज्यादा है, बर्डन ऑफ टैक्स कम है। लेकिन ऑब्वियसली मेरी इनकम कम है तो मुझे उस 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पर ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये एग्जाम्पल होता है रेग्रेसिव का, क्योंकि जो जीएसटी है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो रेस्टोरेंट वाला आपसे, आपको जो बिल है वो इस बिहाफ पर नहीं तैयार करेगा कि भाई
आपकी इनकम क्या है, आप जो सर्विस का फायदा उठाओगे आपको उसके हिसाब से टैक्स, उसका अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इट इज इनडायरेक्ट, इसका मतलब ही नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है। तो सीधी सी बात कि जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो सर्विस की, गुड की वैल्यू के हिसाब से होता है, ना कि इनकम की वैल्यू के हिसाब से। तो जिसकी इनकम ज्यादा भैया, उसके लिए वो अमाउंट पे करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दूसरी तरफ ऑब्वियस है जिसकी इनकम है कम, उसके लिए वो अमाउंट, बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो पे करना दिक्कत वाली बात हो जाएगी, थोड़ा मतलब बर्डन ज्यादा होगा। तो ये फर्क होता है प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव टैक्स में। होप ये आपने नोट किया होगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, अगले पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा बनता है नॉन टैक्स रिसीट्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। डेफिनेशन लिख लेते हैं, इजी है। नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट अदर देन टैक्स सोर्स बेसिस। ठीक है भाई, टैक्स के बिहाफ पे जो भी कुछ मिलेगा उसे हम बोल देंगे क्या, टैक्स रिसीट। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी रिसीव हो उसे बोला जाएगा आपका नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं तमाम वो हमने अभी लिखे थे, और उसमें सबसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, एक है फीस। ठीक है, फीस क्या होता है मैं समझा देता हूँ वर्बली, नोट्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी प्रॉपरली। फीस, अगर हम गवर्नमेंट की किसी भी फैसिलिटी का, गवर्नमेंट की किसी भी सर्विसेज का फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ता है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, फीस कहते हैं। गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले हुए हैं, उन स्कूल्स में हमें पढ़ना है, ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट के, तो उस सर्विस के लिए कोई पर्टिकुलर फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है हमें, जो बस है, गवर्नमेंट बस है, या आपका गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन अदर रेलवे वगैरह है, उसका फायदा उठाना है, उसमें ट्रैवल करना है, तो हमें उसके लिए जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज में अगर हम पढ़ते हैं, हमें वहाँ पे बैठना है, सेटिंग लेनी है, तो उसके लिए कार्ड बनवाकर वगैरह कुछ नॉर्मल चार्जेस उसके पे करने पड़ते हैं। सो इट्स वेरी इजी, सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हुई हैं हमें उनका बेनिफिट उठाना है, उनका फायदा उठाना है, उन्हें उनके सर्विसेज को लेना है, तो उसके लिए कोई फी पे करनी पड़ेगी। और ये भी याद रखिएगा कि इनका चार्ज काफी नॉमिनल होता है, कंपलसरी पेमेंट है, देनी देनी पड़ेगी, लेकिन इसका चार्ज बहुत नॉमिनल होता है, नाम मात्र के बराबर। आगे बी, लाइसेंस एंड परमिट्स। ठीक है, ये दोनों चीजें बेसिकली होती हैं परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन के लिए। अगर हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, या काम किसी अपने काम से किसी और को बेनिफिट देना चाहते हैं, तो पहले हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे लाइसेंस की बात करें तो हमें गाड़ी चलानी है जी, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, तो ठीक है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, उसके लिए कुछ फीस, नॉमिनल फीस पे करिए और चलाइए। आपको अपने पास लाइक गन रखनी है आप सेफ्टी पर्पज के लिए, तो आपको गन लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही आप अपना होटल खोलना चाहते हैं तो होटल परमिट लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कोई भी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की परमिशन, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की परमिशन के लिए आपको गवर्नमेंट को जो एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज लाइसेंस एंड परमिट। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लाइसेंस एंड परमिट का नाम देंगे। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आपका सी, हमने लिखा उसमें फाइन एंड पेनल्टीज। गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को, नियमों को, नॉर्म्स को हमने नहीं माना, उनको तोड़ा, उन्हें फॉलो नहीं करा, तो हमें गवर्नमेंट को अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उसे हम फाइन एंड पेनल्टीज कहते हैं। कोई भी इकोनॉमिक लॉ, सोशल लॉ, कुछ भी है, उसको हमने तोड़ा है, ब्रेक करा, तो हमें पे करना पड़ेगा। रेड लाइट जंप पे करना पड़ेगा, टैक्स टाइम पर पे नहीं करा, उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जो रूल्स हैं वो फॉलो करिए, नहीं फॉलो करेंगे तो आपको फाइन या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसे ही एस्चीट, एक वर्ड क्या आ गया, एस्चीट। अगर कोई भी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है
और उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी लीगल हायर नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो वो एसेट्स हैं, उसे गवर्नमेंट एक्वायर्ड कर लेती है, उसे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, और ऑब्वियसली उसे कहा जाता है क्या, एस्टेट। उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, एस्टेट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं है उसे गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी और ऑब्वियसली उसे कहा जाएगा क्या, एस्टेट। ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ई पॉइंट आपका आ गया। हाँ, इसके अलावा बाकी सारे सिंपल थे, लाइक डिविडेंड, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, पैसा लगाया हुआ है, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है वहां से इंटरेस्ट मिला, इसके अलावा गिफ्ट एंड डोनेशंस जो भी गवर्नमेंट को मिलते हैं, ये तमाम आपके सारे नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट होते हैं। ओके दोस्तों, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट हमने यहाँ पे खत्म करा, हमने बजट की डेफिनेशन से आज इतने रखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। आज हमने शुरू करा गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन, तो स्टेटमेंट जो आने वाले फिस्कल ईयर के लिए गवर्नमेंट के बजट के बारे में बताती है, गवर्नमेंट के सॉरी रिसीट्स के एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है, दैट इज द गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट की बात करी, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सभी को हमने क्लासीफाई करा एसेट और लायबिलिटी के बेस पर, वो टेबल हमें पता होनी चाहिए। हम रेवेन्यू रिसीट पर आए, ना एसेट क्रिएट, ना एसेट आपकी रिड्यूस होती है, ना लायबिलिटी क्रिएट होती है। दो पार्ट बनाए, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, टैक्स के दो पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो दोनों हमने डिटेल में समझे, और ये लिस्ट हमारी किसकी, आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स की, ठीक है। तो प्लीज इनको जरा करिएगा और रिवाइज करिएगा, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपके सामने आता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे आपका, यस एग्जैक्टली, कैपिटल रिसीट, अब तीनों हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा और रेवेन्यू सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात, तो नेक्स्ट हमें कैपिटल रिसीट ही शुरू करना है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज टॉपिक को रिवाइज करिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।